गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये जो हमारा ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने 11th 12th में भी पढ़ रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हमें वेव जो इसकी सिग्नल बनेगा इसका, वो सिग्नल पता होना चाहिए कैसा बन रहा है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे हम, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, इसकी वैल्यू देखते हैं और कैसे कैसे इसकी लिमिट चेंज होती है उसके हिसाब से फिर हम इसका सिग्नल ड्रॉ करेंगे। एक्स के एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये हम टेबल बना लेंगे। क्यों बनाएंगे वो हम देखते हैं। अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो से वन के बीच में होती है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो से वन के बीच में होती है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है कि जो भी वो जो लिमिट है उनमें से लीस्ट वैल्यू जो भी है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी। तो ज़ीरो से वन के बीच में जो लीस्ट वैल्यू है वो है ज़ीरो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो होगी ज़ीरो। तो ज़ीरो से वन के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, ज़ीरो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, एक्स माइनस ज़ीरो। ओके, उसके बाद एक्स की वैल्यू वन से टू के बीच में देखेंगे, एक्स की वैल्यू वन से टू के बीच में देखेंगे तो लीस्ट वैल्यू को वन से टू के बीच में क्या है, वन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा वन हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वन। उसके बाद एक्स की वैल्यू टू से थ्री के बीच में देखेंगे तो फिर लीस्ट वैल्यू टू है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा टू हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर टू, एक्स माइनस टू। इसी तरीके से फर्दर करते जाएंगे आगे। तो अगर हम माइनस वन से लें, माइनस वन से ज़ीरो के बीच में, तो माइनस वन से ज़ीरो के बीच में लीस्ट कौन सा है, माइनस वन है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन। क्योंकि अगर यहाँ पे ज़ीरो वन टू इस तरीके से करते हुए आएंगे ज़ीरो तक, ठीक है, ज़ीरो वन टू करके पॉजिटिव में जा रहे हैं, इसी तरीके से जब निगेटिव में जाएंगे तो माइनस वन से ज़ीरो, ओके, उसके बाद माइनस टू से माइनस वन, इस तरीके से ले जाएंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी मिल रही है, माइनस वन। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन प्लस वन, एक्स प्लस वन। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर माइनस वन से माइनस टू के बीच में लें तो लीस्ट वैल्यू कौन सी है, माइनस टू, लीस्ट वैल्यू है माइनस टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू माइनस टू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह माइनस टू रखेंगे, तो माइनस टू और माइनस, प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू, प्लस टू। ओके, तो अब जो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है उसकी जो इस तरीके से वैल्यू आ रही है, ये इससे सिग्नल हमारा ड्रॉ होगा। ओके, तो देखेंगे किस तरीके से सिग्नल ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे हम सिग्नल ड्रॉ करेंगे। ओके, इसको थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं। और तो देखिए, सबसे पहले x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, उसकी वैल्यू क्या आ रही, x आ रही है। x का क्या मतलब हुआ, ये एक लीनियर है, मतलब जैसे कि एक लाइन है जो कि हमारी ज़ीरो से पास हो रही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें c की वैल्यू है ज़ीरो, y इक्वल टू एम एक्स, सिर्फ ये एम एक्स मिल रहा है, y इक्वल टू एम एक्स। एम एक्स क्या है,
एम एक्स ऐसी जो लाइन है जो कि हमारी ज़ीरो से पास हो रही है, इस तरीके से होगा। ओके एक्स की वैल्यू। ओके उसके बाद एक्स माइनस वन मतलब कि क्या है कि ये जो जैसा पहले था शेप, ये जो शेप ऐसे मिला है उसी तरीके से ये वाला भी शेप मिलेगा बट वन शिफ्ट होके राइट साइड में। ओके तो वन शिफ्ट होके इस तरीके से सिग्नल मिलेगा, फिर उसके बाद सिग्नल वैसे ही मिलेगा एक शिफ्ट होके इस तरीके से शिफ्ट होके। ओके तो ये हमारा ज़ीरो है, ये हमारा है वन, ये हमारा है टू के लिए। ओके तो इसको क्या करेंगे, हम जॉइन कर देंगे इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से, फर्दर ऐसे ही बनता जाएगा सिग्नल। ओके ये एम्पलीट्यूड इसका सेम है सब सब। उसके बाद क्या है कि जब हम यहाँ पे करेंगे x प्लस वन के लिए, जब माइनस वन की लिमिट आएगी माइनस वन के लिए, तो x शेप सेम मिलेगा, शेप सेम मिलेगा लेकिन कहाँ, माइनस वन में शिफ्ट होके शेप सेम मिलेगा इस तरीके से। ओके बट क्या है, माइनस वन से, तो ये माइनस वन से इस तरीके से आएगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला फिर ऐसे ही आएगा माइनस टू से, माइनस टू से इस तरीके से सेम शेप आएगा, उसके बाद ये इस तरीके से एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा, एम्पलीट्यूड वन। ओके तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है और फर्दर ये इस तरीके से आगे और चलता जाएगा, जैसे जैसे से यहाँ पे हम और देखेंगे वैल्यूज़ उसी हिसाब से ये माइनस में और उसी हिसाब से ये प्लस में वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो बस एक हमें सिग्नल मिल गया है कि ये सिग्नल पीरियोडिक है और माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट जा रहा है। ओके तो इसका टाइम पीरियड हम देखेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास इसका है टाइम पीरियड टी नॉट, क्योंकि ये इसके बाद कंटिन्यू इस तरीके से रिपीटेड है, तो ये टोटल इसका है टाइम पीरियड। तो यहाँ से वैल्यूज़ जो है हमारी, ये वाला जो है ये सिग्नल, ये है हमारा एक्स के लिए, ये वाला किसके लिए है, ये वाला है एक्स माइनस वन के लिए, ये वाला किसके लिए है एक्स माइनस टू के लिए है, ये वाला किसके लिए है, ये वाला है एक्स प्लस वन के लिए है, ये वाला किसके लिए है एक्स प्लस टू के लिए है। ओके तो अब एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, तो एवरेज वैल्यू के लिए क्या करेंगे, वन बाई टी नॉट, क्योंकि ये पीरियोडिक है इसलिए वन बाई टी नॉट। ओके और टी नॉट एक लिमिट रखेंगे, एक्स टी डी टी करेंगे, एक्स टी डी टी। ओके तो वन बाई टी नॉट, वन बाई टी नॉट इंटीग्रेशन एक्स टी डी टी का मतलब क्या हुआ, जो टाइम पीरियड है उसके बीच में एरिया कितना है ये देखना है। तो एरिया इसका क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये एरिया इंटीग्रेशन एक्स टी डी टी का मतलब क्या हुआ, उस टाइम पीरियड में एरिया कितना है। तो इस टाइम पीरियड में एरिया कितना होगा, ये ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है, बेस है वन, वन हाइट कितनी है, हाइट है वन मीन्स एम्पलीट्यूड वन है, डिवाइडेड बाई टी नॉट, टी नॉट कितना है ज़ीरो से वन। ओके तो ये हमारे पास, ये वन से वन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वन बाई टू, तो इसके लिए एवरेज वैल्यू जो आएगी वन बाई टू आएगी। ओके तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं सिग्नल के अंदर, उसके बाद हमने लिमिट रख के ये जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उसके लिए पहले ये सारी वैल्यूज़ निकाली है, उसके बाद फिर हमने इस सिग्नल को ड्रॉ किया है। जब सिग्नल एक बार ये वैल्यूज़ हमें मिल गई तो उसके बाद सिग्नल ड्रॉ करना आसान है, उसके बाद फिर हम एवरेज वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है एवरेज वैल्यू फाइंड करने का तरीका। ओके तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।